3 का ट्रेलर भी उसी दिन आया जिस दिन सारे लोग बॉयज के लिए बेचैन थे। और 15 अगस्त आने वाली है 3 2, उससे एक महीने पहले रिलीज हुआ इसका ट्रेलर। अब सॉन्ग्स रिलीज होंगी तो धीरे धीरे हाइप क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी अच्छी है, बट आई हैव अ डाउट कि अगर ट्रेलर में जितना दिखाया उतना ही कॉमेडी रहा या उस लेवल की कॉमेडी मूवी में दिखी तो इस जनरेशन को मूवी हंसाने से रही। अब बात अगर आती है एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस और स्टोरी पे तो भेड़िया मुंजा जैसी मूवीज के यूनिवर्स में बनी ये मूवी कॉन्टिन्यूएशन और यूनिवर्स बिल्डिंग में काफी अच्छी है। और साथ ही इंडिविजुअल मूवीज के तौर पे भी जो हम स्टैंड अलोन मूवीज देखते हैं उस हिसाब से भी ये मूवीज रिमार्केबल दिखती है। और इस बार की स्टोरी अब तक जो पता चला वो है कि पिछली मूवी में सम्मान से स्त्री को विदा करने के बाद अब उससे भी खतरनाक आपदा आ गई है, क्योंकि स्त्री से बचने का तरीका सबको पता था क्योंकि सब बहुत दिनों से भुगत रहे थे। तो अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो स्त्री उसे उठा लेती थी सिर्फ साल के 4 या 5 दिन। ये दिक्कत गाँव वासी को होती थी, लेकिन स्त्री का खतरा जाने के बाद अब आया है सिरकटा, जिस वजह से स्त्री असल में स्त्री का भूत बनी थी और सिरकटा गांव की औरतों को टारगेट कर रहा है। इसका भी 4 या 5 दिन जैसा कोई टाइम लिमिट होगा या नहीं वो क्लियरली तो नहीं पता, बट इसे रोकने का कोई मंत्र अभी तक तो नहीं है। और जैसा कि ट्रेलर में बताया गया सिरकटा इन्फ्लुएंसर टाइप का भूत होगा जो सिर्फ फीमेल्स को उठाएगा ही नहीं मेल्स को मैनिपुलेट भी करेगा, और अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो जेंडर भूल जाता है और इसी वजह से वो हमारे हीरोज को भी नहीं छोड़ता। तो इससे निपटने फिर से स्त्री को बुलाया जा रहा है ताकि स्त्री आए और सबका रक्षा करे। अब पूरे ट्रेलर में कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आई कि श्रद्धा एक्चुअली जो विच थी वही क्यों विक्की के अगेंस्ट चली गई, और इन सब डेंजर के बीच तमन्ना क्यों आइटम डांस कर रही थी, और इन सारे औरतें क्या सिरकटे का पावर सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे तमन्ना भाटिया के आइटम डांस को लेके मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और लॉकडाउन के बाद उनके अपीयरेंस में जो चेंज आया है उसे दर्शक काफी एंजॉय कर रहे हैं। चाहे उनके करियर में फिल्म्स की रेटिंग थोड़ी नीचे आई है बट क्या फर्क पड़ता है, वो अलग टॉपिक है जिसे अलग वीडियो में घेरेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, अभी मुझे जाना है इंस्टा पर रील देखने। तो अगर तुम भी स्त्री 2 को लेके सेम मेरी तरह एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्योंकि हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं मेरा प्यार है। और अगर वीडियो इतना देख ही लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि एज आई से हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड।